अस्सलाम वालेकुम एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई एम गुड। सो कल यहाँ पर फिर बारबेक्यू है, लेकिन इस दफ़ा कुछ डिफरेंट टाइप का मसाला लगाया मम्मा ने। आई डोंट नो, पहले नहीं लगाया ऐसा। और कल तो अनसाइद आ रही हैं और काफ़ी डेज़ बाद आ रही हैं। हाँ, काफ़ी डेज़ बाद आ रही हैं। मैं खाने लगी हूँ दाल चावल गर्म करके। नमाज पढ़ ली है मैंने और अब मैं खाऊंगी दाल चावल। दिशांत, खाना खाया था ना आपने? हैं, खाना खाया था? गुड, मैं दाल चावल खाते हैं। वेरी नाइस मलाइका। यहाँ बन रहा है मैंगो डिलाइट और मेरी जो एंगल लाइट है उसका, ठीक है, तो है नहीं। जिसके लिए मुझे ये कंडेंस मिल्क, ऑल पर क्रीम कोई भी ले सकते हैं, जेलेटिन पाउडर पक क्रीम और मैरी बिस्किट। ये ऐसे मलाइका का रखा हुआ, इससे पीना। और मैंगो सबसे मेन चीज़। तुम पी लो, तुम अस्तग़फिरुल्लाह, मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाया और तुम मुझे ऐसे कह रही ऐसे। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता मैंगो डिलाइट बनता है, बन के रहेगा, बन के ही मलाइका बलोच है, कोई आम बनती नहीं है। अच्छा, अब ठीक है, एक काम कर चुके हैं हम जो कि मैंने किया है, ये वाला, ठीक है। तुमने कोई काम नहीं करना है क्या? वो मैं भी सामान दिखा देना, उसमें ना छोटी जो उसके अंदर ना तुमने असर है वो हो चुका है, तब हो बर्बाद। अब हट जा ना, गिनना मत। क्या करना है? वो जो हमारा फूड वाला है ना, फूड प्रोसेसर, वो ख़राब हो चुका है, तो अभी हमें ग्राइंडर से काम चलाना पड़ेगा। मैं जब तक वो करूँगी ना मिक्सिंग, तब तक तुसी ए मैरी बिस्किट नो पीसना है, ठीक है? ओके, और कुछ? हमारा मूवी टाइम स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि रूम में अंधेरा है बिल्कुल। सामने दादी सो रही हैं, ये मोबाइल है स्टैंड पर और इधर मलाइका है, कैमरे के पीछे मैं हूँ और हम लोग दोनों मूवी देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। मेकअप मैंने कर लिया हल्का हल्का जो मैंने करना था और अब कपड़े देखने हैं मैंने, लड़कियों के मसले के, लड़कियों के यही मसले होते हैं कि अलमारी पूरी भरी हुई होती है लेकिन पता नहीं होता कपड़े नहीं हैं और बाकी कपड़े नहीं हैं। लेकिन ये मसले होते हैं लड़कियों के। डोना के तो मलाइका और मैं रेडी हो चुके हैं और मलाइका बना रही कॉफ़ी। कॉफ़ी बना रही हो ना बाबा के लिए? शक्ल क्यों बनाएंगे, कॉफ़ी बनानी पड़ेगी। थक थक गई, सिर्फ तैयारी करके थक गई। हम निकल पड़े बाबा पेट बाहर रख के बैठे, ब्लॉग मेरा पेट भी ज़्यादा लगना चाहिए। और कर रहे हैं, आपको चेयर नहीं मिली? हाय, हेलो, नहीं हम नहीं देखते तुम्हारे हाथ, क्या हो गया? नो, अच्छा। हाय एवरीवन, अंसाइदा चली गई थी, चली गई हैं, ठीक है। और मैंने आज थोड़ा सा ज़्यादा खाया है, मतलब मैं एक टाइम खाती हूँ, नाश्ता वगैरह नहीं करती, मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ या एक कुछ इस तरह का, बस वन टाइम खाना। लेकिन आज मैंने डबल दफ़ा खाया है, ठीक है। मैंने कोक भी पी ली और अब मैं परेशान हो रही हूँ कि वाय मानूर क्यों। और बस अब तो कर लिया जो करना था अब ये। और मेरी वॉक भी आजकल मतलब मैंने छोड़ी हुई है, जब से मैं बीमार हुई थी मुझसे हो नहीं रही थी वॉक। कल सुबह मामा ने 12 बजे का प्लान रखा हुआ है, मेरी बड़ी जो आनी है उनके साथ, मामा की सिस्टर। और क्योंकि आनी, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि खाला बोलते हैं ना लेकिन हम लोग आनी बोलते हैं, तो अब उनके घर जाना है। हम लोग ने काफ़ी टाइम से वो बुला रही थी लेकिन हम लोग नहीं जा सक रहे थे बिज़ी होने की वजह से, क्योंकि हमारे घर आप लोगों को पता है दावते और ये सीन चल रहा है। तो अब सुबह वहाँ जाना है और मुझे नहीं पता क्या पहनना है मैंने, आई डोंट नो। अभी मुझे वो भी डिसाइड करना है क्या पहनना है और मुझे नहीं पता मैं सुबह इतनी जल्दी कैसे उठने वाली हूँ 11 बजे। 11 बजे उठ के और 11 बजे उठ के मैं तैयार होकर और 12 बजे जाने वाली, इतनी अच्छी पता नहीं
कब हो जाऊंगी मैं कि मैं जब जल्दी उठना शुरू कर दूंगी। इतना अर्ली, पता है इतने अर्ली प्लान्स ना मुझे नहीं पसंद आते कि सुबह सुबह उठ के, वो भी सर्दियों में, सर्दियों में सुबह सुबह उठ के आप प्लान्स रख लो कोई कि कहाँ जाना है और वहाँ जाना है। बट खैर जाना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग आ गए खाला के घर। जहाँ मैं हूँ और ये उल्टी सीधी चीज़ें ना हो, मैं मान ही नहीं सकती ऐसा कुछ ना हो। कैसे चमचा गिराया मैंने, मैं और उल्टे काम ना कर हो नहीं सकता। यहाँ पे खाना पीना चल रहा है, कोई स्नैप्स बना के भेज रहा है, कोई टीवी देख रहा है, और ये जो मेरे कज़न्स और मेरे भाई बहन हैं इनको तो भाई स्ट्रीक्स की, पागल है ना ये स्ट्रीक्स के पीछे। शक्ल दिखाओ अपनी, शर्म क्यों आ गई, आप तो कॉन्फिडेंट हो, क्यूट लग रही हो। आप तो आज मायों की दुल्हन लग रही हैं। प्यारी लग रही है, प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं रेडी हुई हूँ मेहंदी के लिए। आज हम लोग को एक मेहंदी पे जाना है, और अभी मैं बाबा से कह रही थी कि बाबा अगर आप लोगों में से कोई एक घर रुक जाता तो मैं ना जाती। बट अब मैं रेडी हो गई हूँ, और मैं जल्दी रेडी होकर बैठ गई हूँ, और अब बाकी सब रेडी हो रहे हैं और फिर हम लोग जाएंगे, बस यही है। आज ना मेरी लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क हो गई है, और मुझे लगता है अभी तक मेरी मामा ने नोट नहीं किया कि मैंने थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक लगाई है, और अभी तक वो अपनी तैयारी में है तो उन्होंने नोट नहीं किया। बट पता नहीं क्या बोलेंगी, बट अब मैंने लगा लिया है, मैं चेंज नहीं करूँगी। मलाइका मेरा शूज़ बंद करिए, ये भी आवाज़ आ रहा है, इसका भी जाने का मूड नहीं था। काश हम लोग अकेले घर पर रुक सकते हैं ना, कितना मज़ा आता हमें। मेहंदी से आ गए थे हम वापस, और मेहंदी पे मैंने कोई ख़ास व्लॉग नहीं किया। हाँ आना ही था मलाइका, क्या हो गया, मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, मतलब नहीं कर सकी, बस फैमिली में सब में बैठे हुए थे और सबसे बातें करने में इसी सब में टाइम गुजर गया। ठीक है, और अब इस वक्त सुबह की नमाज का वक्त हो रहा है, और हम लोग कर रहे हैं अपने कपड़े प्रेस में। दिखाती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ बारात पर, मैं पहनने वाली हूँ ये वाला ड्रेस। ठीक है, और मलाइका भी अपना प्रेस कर रही है, और मैंने अपना इस्त्री करके रख दिया। जी मम्मा आई, और ये हूँ मैं। समोसे, हाँ अब मैं जा रही हूँ समोसे गर्म करने, बाबा चाय बना रहे हैं, और अभी हमारे घर में ये सब चल रहा है। और इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं, मेरी फूफो भी आएंगी आज, इसलिए मैं तो खुश हूँ। फूफो सी में आ जाएंगी 9 या 10 या 11 बजे तक इंशाल्लाह, और फिर वो हमें जल्दी उठा देंगी, जब वो आती है हमारी आँख खुल जाती है। खैर अब मैं जा रही हूँ समोसे गर्म करने, बाय बाय, आपसे मिलेंगे कल। हाँ कल। सिम्बा, इसने मुझे इतना जलील कर दिया कि मैं इसे घर से बाहर निकालने मजबूर हो गई। भाग, ये डूनो, ये लो डूनो के पीछे ना जाओ, सिम्बा मारेगी कसम से, इतना कोई पागल पागल के बड़े, वो बैठी है काला, वो कोने में देख रहा है, कसम से दोनों लड़ लड़ के कहीं जा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही। बाहर खेल लो थोड़ी देर, जा खेल क्या, जा 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 अपना दिमाग का जो फतूरा उतार क्या, जाओ खेल क्या। अच्छा मेरे पास आएगी, अच्छा 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 नहीं नहीं अच्छा नहीं मेरे पास, अच्छा आ जा मेरे पास आ जा, नाराज ना हो तू। ठीक, नाराज़ नहीं हो, ठीक है नाराज़ नहीं हो ना। हाय एवरीवन, वी आर रेडी फॉर द बारात। आज मलाइका ने मेरा हेयर स्टाइल बना दिया और अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है मैंने बहुत टाइम बाद कोई हेयर स्टाइल बंधावा बनवाया, वरना मैं हर जगह बाल खोल के ही चली जाती हूँ, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। पीछे रूम पे मत जाएं क्योंकि सब ने तैयारी की है, पुप्पो आई हुई है और सब कुछ फैला हुआ है। सुबह सब हम लोग बस निकलने वाले हैं, और अम्मी पीछे अपनी चीज़ें ही चुनती फिर रही हैं। हाँ अम्मी, आप नज़र आ रही हो पीछे अपनी ये सामान चुनते हुए। मैं अपने आप को दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि आज की लुक मुझे अपनी ज़रा ज़्यादा ही अच्छी लग रही है, कल मैं अच्छी नहीं लग रही थी खुद को। अब बाकी पता नहीं, बाकी सबको तो अच्छी लग रही थी लेकिन ख़ुद को मैं अच्छी नहीं लग रही थी। और लेकिन बस अब हम लोग बस निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, हम लोग वापस आ गए यहाँ पे, अभी शादी के अबाउट ही बातें चल रही हैं क्योंकि चाचू घर आए हुए हैं और सब चाय पी रहे थे। मैं अभी अपना ये ट्राउजर शूट उठा के खड़ी हूँ कि मैं बदलूँ, बस ये जब हेयर स्टाइल खुल जाते हैं तो ये हालात होते हैं, बंद हो जाती हैं। व्लॉग है,
मेरी घर की जो लाइट्स बंद होती है ना मुझे सबसे बुरा लगता है। कौन है ऑप्शन वही तो कहां पे वीडियो ये वीडियो बना रहे हो ये मेरा व्लॉग है आपको क्या आवाज नहीं आ रही मेरी तरफ है कैमरा फ्रंट कैमरा है आपकी आवाजें आ रही होंगी व्लॉग में मैं नहीं सबको यही टेंशन है कोई मेरे व्लॉग में आ जाओगे तुम लोग ज्यादा प्यारे लगोगे क्योंकि मेरा व्लॉग है तो क्या हालात होते हैं कभी भी मैंने आज मलाइका तो बनवाया था लेकिन अब सबसे ज़्यादा रिलैक्स में हूँ क्योंकि हेयर स्टाइल खुल चुका है ये शादी से इतना खाने के बाद भी नहीं आया चैन वैसे भाई मैंने खाना नहीं खाया था मैं ये खाऊंगी मैंने बहुत खाना खाया हुआ है तो मैं ये खाऊंगी इसलिए तो बनाया वो पी ट्रे निकालो पीछे से मुझे ना इट्स लुक्स डिलीशियस मुझे ना बहुत ही क्या नाम है क्या चिमटा क्या दूं ओके मलाइका कैसे की रिश्ता मांग रही थी गुड़िया से उसकी बिल्ली का एक हाथ जोड़े गए हेजल हमें दे दो हेजल आपकी है मिठे ओहो रिश्ता पक्का सिम्बा सिम्बा हेजल लेके मैं जाऊंगा सिम्बा सिम्बा पक्की बात है सिम्बा बेटा खुश हो गया सिम्बा भी छोटा सा है शादी करो इतनी जल्दी कोई बात नहीं अर्ली मैरिजेस क्या अच्छी होती है ना चले हमारी है जो भी बहुत प्यारी है इसको इसको पसंद आएगी ठीक कोकरे आइज आएगा हसीन तेरे तो फिर भी ग्रे नहीं शर्मा के जा रहा है मेरा बेटा शर्मीला था प्यारे प्यारे बच्चे होंगे तूने तूने से देख काली सी भी नहीं पूछती काली सी हालांकि खूबसूरत भी नहीं है मेरा बिल्कुल ज्यादा प्यारा है फिर भी नहीं पूछती है ना नहीं पूछती दोस्ती दोस्ती नहीं करती मैं तो पूछ ही नहीं हूं ना तू सबसे दोस्तियां लगाने की कोशिश करता है कोई पूछता नहीं है रिश्ता पक्का हो गया रिश्ता पक्का हां रिश्ता पक्का हो गया अम्मी मुबारक हो अम्मी मुबारक हो सिम्बा का रिश्ता कर दिया हमने गुड़िया की हेजल से अच्छा हां जी दामाद बन गया भाई अभी लिख पढ़ पे ना लड़ाई हो जाती है हमें नहीं पसंद ये लिख पढ़ हमें हाँ। सिर्फ लड़की दे दो हतीजन एक जोड़े में लड़की अच्छा तू बता क्या कराएगी तू लिख पढ़ हम ये कराएंगे जहेज नहीं चाहिए हमें जहेज नहीं अच्छा अच्छा प्यारे प्यारे ना ना हमारे घर आएगी घर दामाद क्यों मेरा बेटा हीरो है उसका घर है ये वो यही रहेगा हमारे बेटे को जहेज नहीं चाहिए बस लड़की चाहिए जो मेरे बेटे से दोस्ती कर ले कोई नहीं पूछता मेरी खूबसूरती दी अल्लाह ने फिर भी कोई नहीं पूछता शर्मा मत शर्म आ गई बोले को मेरे हो गए बेटे के दुल्हन मिल गई बोले की दुल्हन दुल्हन मिल गई भाग गया शर्मा रे शर्म आ गई दुल्हन की बातें हो रही थी बोले की दुल्हन अस्सलाम वालेकुम अगेन हमें अचानक वलीमे पर जाना पड़ा है हम लोग गए थे मेहंदी पे बारात पे लेकिन मैंने कोई ख़ास व्लॉग नहीं किया था बस थोड़ा बहुत किया था और अचानक अब हम लोग को अभी कॉल आई है मैं तो सो ही रही थी और शाम के 4 बज रहे थे और मुझे आवाज़ आई है बाबा की मानो और मैंने कहा अच्छा मैं उठ जाती हूँ बाबा की आवाज़ पे थोड़ा सा मुश्किल लेकिन उठ गई तो उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि उनकी कॉल आ रही है तो वलीमे पे चलना है तैयार हो जाओ अच्छा मैंने कहा इतनी मतलब सडन तैयारी मैं तो बड़ा रिलैक्स थी कि नहीं चलो नहीं जाना लेकिन अब हम लोग को जाना है और ड्रेसेस वगैरह निकाली हमने लेकिन अब यहाँ पे लाइट चली गई है मलाइका का भी प्रेस हो गया मेरी कज़न आई हुई थी उसका भी प्रेस हो गया सबका प्रेस हो गया लेकिन मेरा रह गया अब मैं इसको सामने रख के बैठी हूँ कि अब लाइट आएगी तो प्रेस होगा और फिर हम तैयारी वगैरह शुरू कर देंगे फिर से यहाँ आ गई और यहाँ मैं सिर्फ आती हूँ अपने तैयारी दिखाने और ख़ुद भी देखने कि मैं कैसी लग रही हूँ कैमरे में सो बस हम लोग रेडी हैं और अब हम लोग वलीमे पर बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं बस यही हो रहा है कि बस जाने वाले हैं इतना अचानक और इतना सडन प्लान बट हम लोग अच्छे लग रहे हैं सो लेट्स गो ओके वी आर हियर एट वलीमा मैं आ गई हूँ शादी से वापस हम लोग वलीमे पर गए हुए थे और बस मैं शादी से आ गई हूँ वापस अभी हम लोग आए हैं और अच्छा था वलीमा मज़ा आया हमें ऐसी तैयारियाँ थी ना मतलब मैं हैरान हो गई अगर दुल्हन के सर पे दुपट्टा रहा हो तो पहचानना मुश्किल होता कि दुल्हन कौन सा वाली
खैर बहुत अच्छी थी, शादी अच्छी थी और बस सबकी तैयारियां देखने वाली थी कि क्राउन्स और यू नो झूमर और बिंदिया और पता नहीं क्या क्या, गले में इतने बड़े बड़े नेकलेस और इस टाइप का फुल सीन ऑन था वहाँ पे। इतनी हैवी तैयारी, मतलब मैं हैरान हो रही थी कि अब मैंने एक ये वाले स्लीव्स पहने हुए ना, तो मैं इनसे थक गई कि यार ये क्या है, मैं उतार दूँ इनको, और एक इयररिंग्स से और यू नो इरीटेट होना शुरू कि नहीं बस घर चलें उतारना है मुझे। मैं तो हैरान थी उन्होंने वो सब संभाला हुआ कैसे, मैं यही हैरान थी मतलब कैसे, मतलब संभाला कैसे। मैं होती हुई कहती उतारो 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 बस, बट सही है भाई शशके उनके। खैर अब मुझे चेंज करना है, चेंज करना है और मेरी कज़न आई हुई है, चेंज करेंगे हम, कुछ ऑर्डर करेंगे और क्या करेंगे, हाँ शायद कोई मूवी देख लें, लेकिन हमारा प्लान है कि हम लोग चाउमीन ऑर्डर कर लें और क्या, और बस सब मैं चेंज करती हूँ, देन मिलते हैं अगर कुछ स्पेशल हुआ तो। तो जी इस व्लॉग में सबको मैं ही नज़र आ रही थी, मुझे ऐसे लग रहा है ज़्यादातर मैं ही सामने थी, बट इट्स ओके। सो आई होप यू लाइक द व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।